मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाने आया हूं। संत लूकस का सुसमाचार, अध्याय 5, पद संख्या 32। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम सभी 40 काल में हैं, जो समय माता कलीसिया ने हम सबों को एक मन परिवर्तन, हृदय परिवर्तन के लिए दिया है, प्रभु में उन्मुख होने के लिए, प्रभु में अपने जीवन को निहारने के लिए दिया है। देखिएगा, आज का सुसमाचार में जो संत लूकस के अनुसार लिया गया है, प्रभु लेवी को बुलाते हैं। लेवी एक चुंगी वसूल करने वाला व्यक्ति था, टैक्स कलेक्टर। चूंकि उनको ये एक काम था, जवाबदारी का काम था, लेकिन वो सच्चाई पर ये काम नहीं कर रहा था। वो अन्याय, धोखाधड़ी, बेईमानी और हेराफेरी के कारण अपने नाम को बदनाम किया था। लोगों के सामने एक तुच्छ व्यक्ति बन गया था। प्रभु उन्हीं को अपना प्रेरित बनने के लिए, करीब शिष्य बनने के लिए बुलाते हैं, और वो आगे बनकर संत मत्ती का नाम से पुकारा जाता है। और सुसमाचार, पहला सुसमाचार जो दिया गया है, संत मत्ती का सुसमाचार, सबसे लंबा सुसमाचार, जिसमें 28 अध्याय हैं, यानी उन्होंने अपने आप को पूर्ण रूप से परिवर्तन किया, उन्होंने प्रभु को धारण किया। इसलिए प्रभु कहते हैं आज सुसमाचार में, मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाने आया हूं। धर्मियों को क्या जरूरत है प्रभु की, क्योंकि प्रभु उनमें है, प्रभु के मार्ग पर चलते हैं, लेकिन हम पापियों के लिए प्रभु की जरूरत है, ताकि हम बदल जाएं, हमारी सोच बदल जाए, हमारा जीवन बदल जाए, हमारी जुबान बदल जाए। इसलिए संत याकूब कहते हैं, जिस जुबान से प्रभु की स्तुति करते हो, उसी जुबान से एक दूसरे की निंदा भी करते हो। प्रिय भाई तथा बहनों, हमें ये सब जरूरत है। यदि हम प्रभु का अनुसरण करना चाहते हैं, हमें पश्चाताप करना है, हमें हमारे जीवन में बदलाव लाना है। किस प्रकार की बदलाव? सोच में बदलाव, कार्य में बदलाव, हम बोलचाल में बदलाव। पहला पाठ नबी इजायस कहते हैं, यदि तुम भूखों को अपनी रोटी खिलाओगे और पथ दलितों को तृप्त करोगे, तो अंधकार में तुम्हारी ज्योति का उदय होगा और तुम्हारा अंधकार दिन का प्रकाश बन जाएगा। अध्याय 58, पद संख्या 9 से 14। जी हाँ मेरे प्यारे भाई तथा बहनों, यदि हम किसी को कुछ करना चाहते हैं, वो उनका जीवन की ज्योति बन जाती है। अंधकार यानी पापमय जीवन, अंधकार भूखे प्यासे, अंधकार परेशान, अलग अलग अंधकार अपने जीवन में हो सकते हैं, लेकिन किस प्रकार हम दूसरों के जीवन में ज्योति बन सकते हैं, इसके बारे में नबी जायस पहले पार्ट में हम सबों को ज्ञात कराते हैं, समझाते हैं। मेरे प्यारे विश्वासियों, 40 काल अन्य महीनों के समान ना हो, एक बदलाव का समय हो आपके लिए और मेरे लिए। हम सचमुच प्रभु के पदलितों बन जाए, प्रभु के पदचिन्हों पर चले, ताकि हम ना केवल नाम के लिए प्रभु के शिष्य, लेकिन काम और नाम दोनों साथ साथ लेते हुए विश्वास में जीवन बिताने के लिए कोशिश करें। आइए लेवी के समान हम भी अपना जीवन में बदलाव लाएं, लेवी के समान अपने नाम में बदलाव लाएं, लेवी के समान प्रभु के लिए कुछ करने के लिए कोशिश करें। आमीन।